अस्सलामुअलैकुम, जुलेखा के दुनिया में स्वागत है आप लोगों का। देखिए, मैं ये सजना का पत्ती है, उसका मैं साग बनाने जा रही हूँ। इसको मैं पहले उबाल लूँगी थोड़ा सा हल्का, और इसमें मैं ये आलू भी डालूँगी, थोड़ा सा आलू है ये भी मैं डालूँगी। मैं जा रही हूँ उबालने के लिए। इस सजना के पत्ता को मैं पानी में डाल रही हूँ, उबाल दूंगी। उबाल के इसका पानी निकाल के तब मैं बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसको मैं उबाल ली हूँ थोड़ा, अब इसको मैं पसा दूंगी। देखिए, ये सजना के साग में थोड़ी सा आलू डाल कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी। अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ, उसके बाद साग को कर लूंगी। इसमें प्याज हो गई है। अब इसमें मैं सजना का पत्ता डालने जा रही हूँ। पानी डाल के उसको गलने के लिए छोड़ते हैं। नमक डालते हैं, देखिए नमक डाल रही हूँ अपना स्वाद के अनुसार। नमक डालूंगा बस, इसमें मैं पानी डालूंगी। देखिए, ये साग थोड़ा गल गई है, इसी तरह गलता, ज़्यादा नहीं गलती है। अब इसमें मैं आलू रख के तो भूख के निकाल लूँगी। गलती नहीं हुई, इसी तरह खाने में बहुत मज़ेदार लगती है।
देखिए ये तैयार हो गई है। अब इसको मैं कटोरा में निकालने जा रही हूँ। इसी तरह ये बनती है। ये तैयार हो गई है। ये साग इसी तरह बनती है, सजना का पत्ता का। आप लोग भी इसी तरह बनाइए और बना के बताइए कैसी आप लोग के बनी है, कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।